मित्रों नमस्कार, नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों लंबे समय के बाद गुरुदेव बृहस्पति आठ राशि वालों के भाग्य बदलने आ रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने आ चुके हैं गुरुदेव बृहस्पति। इसका सभी राशि वालों को कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आठ मुख्य राशियाँ हैं जिनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की अपार कृपा रहेगी। उसमें से पहली राशि है वृषभ। अगर आपकी वृषभ राशि है, यह ध्यान रखिएगा, मैं चंद्र राशि के अनुसार बता रहा हूँ, तो गुरुदेव ताबड़तोड़ धन की वर्षा करने आ रहे हैं, आपके भाग्य बदलने आ रहे हैं। 12 साल के बाद जो है यह योग बना हुआ है कि गुरुदेव अपने राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि है, वह राशि रहेगी मिथुन। जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना सैलरी का, इस प्रकार के योग गुरुदेव बृहस्पति बनाने आ रहे हैं। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह राशि रहेगी कर्क। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका भाग्य जगाने गुरुदेव आ रहे हैं, स्वयं भाग्य सोकर के भाग्य भाव में बैठेंगे। भाग्य से आपको लाभ मिलना, यात्राओं से लाभ मिलना, अध्यात्म की तरफ झुकाव होना, छोटे भाई बंधुओं से, मित्रों से, सभी से सहयोग मिलना, इस तरीके के योग लेकर के गुरुदेव आ रहे हैं। धन के लिए भी आप महाभाग्यशाली रहोगे। इसके बाद सिंह राशि की यदि बात करें तो गुरुदेव अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुरुदेव शुभ फल नहीं दे पाएंगे। हालांकि धन के लिए आप भी लकी रहेंगे, इनकी दृष्टि धन भाव पे जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्च की अधिकता रहेगी। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह राशि ही रहेगी कन्या। कन्या राशि वालों को राजयोग मिल रहा है, कन्या राशि वालों को, तो कन्या राशि वालों के लिए तो विशेष सुख समृद्धि प्रदान करने आ रहे हैं गुरुदेव। भारी आमदनी होगी, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। गुरुदेव की पूरी कृपा आपको लगभग एक साल तक मिलती रहेगी। हंस नाम का राजयोग कन्या वालों को मिल रहा है, इसके साथ साथ मिथुन वालों को भी मिल रहा है, जो मैं बताना भूल गया था। तो कन्या राशि जो कि धन से संबंधित समस्याएं अभी तक फेस कर रही थी, उनके लिए बहुत शुभ समय आने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि में तो छठे भाव में गुरुदेव रहेंगे, यहाँ पर शत्रुओं का तो विध्वंस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको निश्चित ही विजय मिलेगी, लेकिन ये छठे भाव में हैं तो देश विदेश से आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छे की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की यदि बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ताबड़तोड़ धन की वर्षा गुरुदेव करेंगे लगभग 13 माह तक, तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कमाल का समय रहने वाला है, गुरुदेव की पूर्ण रूप से कृपा मिलेगी, विद्यार्थियों को लाभ, देश विदेश से लाभ, शेयर सट्टे से लाभ, सभी तरीके के लाभ आपको मिलेंगे। धनु राशि वालों को भी हंस नाम का राजयोग मिल रहा है, तो आपके लिए भी शानदार समय रहेगा। राजनीति में उछाल आना, गाड़ी मकान वाहन की प्लानिंग कर रहे थे तो वो मिल जाना, इस तरीके के योग मिल रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो नौकरी में भी कहीं ना कहीं सफलता मिलना, ऊंचाइयां मिलना, मान सम्मान मिलना, इस तरीके के योग बने हुए हैं। मकर राशि में अगर देखें तो गुरुदेव तीसरे भाव में हैं, तो विवाह के लिए अच्छा रहेगा। विवाह यदि आपका नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था समाप्त हो जाएगा, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम पे भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। इसके बाद अगर कुंभ राशि वालों की बात करें तो आपके लिए भी गुरुदेव ताबड़तोड़ धन की वर्षा करेंगे, आपके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से लाभ, परिवार के सहयोग से लाभ, इसके लिए आपके लिए तो बहुत ही शानदार है धन के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर लक्ष्मी योग बना करके बैठे हुए हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए मैं प्लेलिस्ट एंड में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो। अंतिम राशि की बात अगर हम करें तो गुरुदेव मीन राशि में दिग्बली होकर के बैठ जाएंगे हंस नाम का राजयोग बना करके, तो यहाँ पर भी गुरुदेव की अपार कृपा आपको मिलने वाली है, आप भी महाभाग्यशाली राशियों में से एक हैं। तो ये थी वो आठ राशियाँ
जिन पर गुरुदेव मेहरबान होने वाले हैं, लंबे समय के बाद आप कह सकते हो कि गुरुदेव आपके भाग्य को जगाने आ रहे हैं, भाग्य बदलने आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।